हेलो फ्री फायर लवर्स, वेलकम टू द डेस्टिनेशन। सो फ्रेंड्स, दो दिनों से यहाँ पर मेरे चैनल पे वीडियो अपलोड नहीं हो पाया, तो इसके लिए मैं दिल से माफ़ी मांग लेता हूँ आप लोगों से। लेकिन क्या करूँ दोस्तों, मैं एक्सक्यूज़ नहीं देना चाहता हूँ, लेकिन मेरा तबीयत बहुत ही ख़राब था, तो अभी भी पूरा मतलब पूरा ठीक नहीं हुआ, तो अभी भी मेरा मेडिसिन चल रहा है। तो मैंने सोचा कि आप लोगों को एक बहुत सारा न्यूज़ जो डिलीवर करना है तो वो मैं कर दूँ, तो इसलिए एंड आप लोगों से बातचीत भी नहीं हुआ दो दिनों से, तो मुझको भी बहुत बुरा लग रहा था, तो इसलिए मैंने आज सोचा कि आप लोगों से बातचीत हो जाए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों आज के वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो कम बको भट, लेट्स द वीडियो स्टार्ट। तो फ्रेंड्स, पहले जिस चीज़ के ऊपर मैं यहाँ पर बात करूँगा वो है पिक एंड विंग के बारे में। जी हाँ दोस्तों, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, जो जो वीडियो देखे हैं कल का लाइव स्ट्रीम फॉलो किए हैं उन लोगों को तो पता ही है, या फिर जो लोग मिस कर गए हैं तो मैं उन लोग को एक अपडेट दे देना चाहता हूँ, जो कि है यहाँ पर राउंड वन में इल्यूमिनेटी जो चैम्पियन हुआ था, उसके बाद मतलब बुया मारे थे, उसके बाद राउंड टू में सी एच आर बुया मारे थे जो कि हमारा चाइना रीजन का है, एंड थर्ड राउंड में भी सी एच आर ही बुया मारे थे जो कि फिर से मेरा हमारा चाइना रीजन का है, उसके बाद एल जी डी एस जो कि हमारा ताइवान का रीजन, ताइवान या फिर मेनिया बोल सकते वो उस रीजन से बिलोंग्स करते थे, एंड थर्ड टाइम भी एल जी डी एस ही बुया मारे थे, फिर उसके बाद हमारे मारे थे इन्फिनिटी जो मोबाइल स्पोर्ट्स कम्युनिटी है, जो कि मतलब मुझको जो लगता है वो शायद वियतनाम का टीम था या फिर और कुछ मतलब नॉर्थ अमेरिकन भी हो सकता है, तो मुझको शायद उतना याद नहीं है। उसके बाद हमारा जो चैम्पियन पिक था जो कि है कॉरिंथियंस टीम थे, तो आप लोग जो मेरे वीडियो फॉलो किए थे तो वो लोग जानते ही है कि मैं चैम्पियन पिक कॉरिंथियंस को ही किया हूँ, मतलब किया था तब, तो अभी मेरा प्रेडिक्शन इतना सच निकलेगा मुझको भी इतना मतलब कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं था, लेकिन हो गया तो बस हो गया, तो बहुत ही अच्छा प्ले किया। एंड हमारा जो नवाब जादे था वो भी बहुत ही अच्छा प्ले किया, जो कि उन्होंने लास्ट बार 12th पोजीशन में मतलब बॉटम ऑफ द टेबल एंड किया था, लेकिन इस बार मतलब वो लोग कड़ी टक्कर दिए, एंड उसका जो गेम प्ले का जो मेथड था वो बहुत ही अच्छा था। हाँ, लेकिन जो जिस चीज़ का कमी रहेगा वो है उसके पास ज़्यादा से ज़्यादा कोचिंग नहीं था, नॉलेज नहीं था उन लोगों को कि ज़्यादा मतलब ई-स्पोर्ट कम्युनिटी में उतना ज़्यादा खेलने का नॉलेज नहीं था, वही शायद थोड़ा सा कम पड़ गया, लेकिन ये भी बोल सकते हैं कि उनके पास जोन भी नहीं थे, मतलब हर बार उन लोग को भाग के जोन के अंदर जाना पड़ा था, लेकिन जो जो लोग यहाँ पर विनर हुए हैं वो सबके पास एक बार से दो बार जोन थे, जो कि हमारा जो कि चैम्पियन जो टीम है ब्राज़ील के उसके पास तो बहुत ही उनका लाक अच्छा था, या फिर बोल सकते हैं लाक भी बोल सकते हैं या फिर उसका गेम प्ले भी बोल सकते हैं कि वो लोग पहले ही जोन प्रेडिक्शन करके वो लोग जा रहे थे, तो वो लोग रास करते करते जा रहे थे पुश करते हुए, मैं रास नहीं बोलूँगा क्योंकि लाउड जो हमारा ब्राज़ीलियन टीम है वो ज़्यादा रास करते थे, तो इसके लिए आप लोग देख सकते पॉइंट टेबल, तो वो लोग सबसे नीचे आ गए। ठीक है, तो यहाँ पर रास करना बिल्कुल भी मांगता नहीं इतना बड़ा लेवल पे जाके, तो यहाँ पर पुश करना ही ज़रूरी है, तो पुश करते करते जाकर कोरिनो जो कि हमारा ब्राज़ील का जो चैम्पियन टीम है, जो कि मेरा भी चैम्पियन पिक था, तो वो चैम्पियन हो चुका है। ठीक है दोस्तों, आप लोग सभी देख ही लिए होंगे वीडियो के अंदर कि मुझको 1290 कॉइन मिल गया है, जिससे कि मैं ये लड़की का पूरा बंडल का सेट भी मैं खरीद लिया हूँ, एंड जो पांडा था जो कि मेरे पास नहीं था, मतलब अकेला पेड़ जो कि पांडा मेरे पास नहीं था क्योंकि मैं उस जब आया था तो टॉप अप में नहीं ले पाया था, तो इसलिए मेरे पास पांडा नहीं थे, वो भी मैंने ले लिया, मतलब हर एक पेट मेरा अनलॉक हो चुका है, रैपोज से लेकर शिवा से लेकर पांडा तक सब कुछ मेरा मेरे पास पेट के अंदर आ चुका है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर परचेस का कुछ इशू चल रहा था, मतलब यहाँ पर परचेस दिखा रहा था लेकिन जब मैं स्टोर पर जा रहा था तो वहाँ पर ओन दिखा रहा था, तो मैंने क्या किया, मैंने गेम को फिर से क्लोज़ किया एंड फिर उसके बाद फिर से मैंने स्टार्ट किया, तो यहाँ पर पांडा आ गया था। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, एंड मैं यहाँ पर गेम प्ले के अंदर आप लोगों को लेकर जाऊँगा,
एंड दिखाऊंगा कि ड्रेस कितना बढ़िया है। मतलब यहाँ पर आप लोगों को शायद लॉबी पे उतना बढ़िया से मालूम नहीं चल रहा है, लेकिन दोस्तों ड्रेस बहुत ही अच्छा है। उसका जो शू है मतलब जूता है उससे बहुत ही अच्छा ग्लेशियर निकल रहा है, मतलब जो जेस्टर है जो येलो कलर का वो निकल रहा है, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही सुंदर सा लग रहा है। एंड यही जेस्टर्स आप लोगों को जो स्पिरिट स्क्वाड आ रहा है, जो हमारा एक इवेंट है, आप लोग शायद मालूम भी चल गया है उस इवेंट के बारे में, 40 डायमंड से आप लोगों को स्पिन करना पड़ेगा, तो 40 नहीं शायद 25 या फिर 30 डायमंड से आप लोगों को स्पिन करना पड़ेगा उसमें जाकर। तो तीन रेसेस दिया जा रहा है, दो मेल बंडल एंड एक फीमेल बंडल, तो उसमें भी ऐसा ही जेस्टर्स आप लोगों को मिल जाएगा कॉस्ट्यूम में। तो अभी दोस्तों मेरा जो मेन टॉपिक है, मैं यहाँ पर आप लोगों को गेम प्ले में जाकर यहाँ पर दिखा दूंगा कि ड्रेस कैसा दिखता है। तो उसके पहले जो चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, और एक चीज़ यहाँ पर गेम के अंदर आने का बहुत चांसेस है, क्योंकि जो हमारा थाईलैंड जो सर्वर है उसमें एक ड्रेस के बारे में रिवील किया गया है, उस ड्रेस का एक ट्रेलर रिवील किया गया है, जिसके अंदर जैसे कि हमारे इधर पर मार्क्सेस था जो कि एक बाल की तरफ था, जो कि यहाँ पर किल करने पर या फिर ज़्यादा देर तक गेम खेलने पर आप जितना टाइम गेम में बिताओगे उतना टाइम पे वो बाल का कलर चेंज होता जाएगा एंड बाल स्पाइकी हो जाता है, मतलब बाल स्पाइकी हो जाएगा। तो ऐसा करके कुछ था, मतलब यहाँ पर आप लोग गेम में पहले ही इस चीज़ से हैबिचुएटेड हो गए हो, जो लोग वो बाल को मतलब वो उस हेयर वाले स्टाइल को लेकर खेल रहा है, तो उन लोगों को तो पता ही है कि वो हेयर स्टाइल पहन के जितना देर तक गेम में आप लोग खेलोगे तो वो पहले ब्लैक था, उसके बाद येलो होगा, उसके बाद रेड होगा, उसके बाद ब्लू होगा। तो ऐसे ही एक कॉस्ट्यूम आने वाला है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर कोई मास्क नहीं, कोई हेयर स्टाइल नहीं, पूरा का पूरा एक कॉस्ट्यूम आने वाला है, जो कि आप लोग जब उस पर कॉस्ट्यूम जो जब वन लेवल का होगा तो आप एक जैसा दिखने का होगा, जब आप लोग ज़्यादा देर गेम पे बिताओगे तो वो दो लेवल का हो जाएगा, तो उसके वक्त मतलब उसके बाद वो नेक्स्ट जो मतलब इवॉल्व हो जाएगा, कॉस्ट्यूम इवोल्यूशन होगा, ठीक है, आप लोग ये बोल सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को ट्रेलर दिखा देता हूँ। तो फ्रेंड्स, आप लोग ट्रेलर देख के तो समझ ही गए होंगे कि क्या मैं बोलना चाहता था। तो यहाँ पर आप लोगों के सामने भी क्लियर हो चुका है कि कॉस्ट्यूम, तीनों कॉस्ट्यूम यहाँ पर दिखाया गया था, वो उसमें जो मतलब मेन जो बंडल था उसका जो दाई तरफ था उसमें वन लिखा हुआ था, मतलब वो एक नंबर वाला कॉस्ट्यूम था। उसका जो बाई तरफ था मतलब लेफ्ट साइड में जो था वो दो नंबर वाला कॉस्ट्यूम था, एंड मिडिल में जो था वो थर्ड नंबर वाला कॉस्ट्यूम है, ठीक है। एंड उसके हाथ में एक क्या है वो मुझको मालूम नहीं है, लेकिन हाथ में एक चीज़ था जैसे कि हमारा उल्वरियन एक मूवी है उसका हाथ भी ऐसा ही होता है, तो ऐसा होने वाला है। तो थर्ड जब होगा, थर्ड लेवल जब उसका हाफ होगा, तो इसके लिए आप लोग एक्साइटेड हो या फिर नहीं हो तो मुझको ज़रूर बताना। एंड यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि लड़की का पैर कितना अच्छा लग रहा है, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। मैं यहाँ पर वीडियो में आगे जाकर आप लोगों को दिखाता हूँ कि कैसा दिखता है। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग देख सकते हो कि कॉस्ट्यूम कितना अच्छा है, मैं यहाँ पर आप लोगों को लेट कर दिखा रहा हूँ, क्योंकि पैरों का जो ग्लेशियर यहाँ पर निकल के आ रहा है जो कि येलो कलर का है वो बहुत ही अच्छा लग रहा है, तो इसलिए मुझको लेटना पड़ा। तो यहाँ पर मैं लेट कर आप लोगों को दिखा रहा हूँ, तो बहुत ही अच्छा आप लोग देख सकते हैं। तो अभी वर्ल्ड सीरीज गए हैं तो अपडेट आने में कुछ मतलब देरी होगा, मतलब लीक्स उतना नहीं आ रहा है नेक्स्ट जो चीज़ का अपडेट होगा, तो मैं अपने चैनल पे ज़रूर पहले ही आप लोगों को अपडेट कर दूंगा। एंड जिस चीज़ के ऊपर बात करना था शायद मैं लेट हो चुका हूँ, आप लोग को शायद पता चल गया है अभी भी मतलब इसके पहले ही, कि एयर ड्रॉप में अभी सिर्फ एयर ड्रॉप में क्रॉसबो दे रहा है गरेना वाले, क्योंकि क्रॉसबो से बहुत सारा नुकसान हो रहा था। तो आप लोगों को अगर पता नहीं है तो क्रॉसबो बहुत ही घातक सा बन गया था, मतलब क्रॉसबो एनिमी के जो बॉडी है उसमें नहीं लग के अगर उसके साइड अगल बगल भी लग रहा था तो ब्लास्ट करके एनिमी मर जा रहा था। तो इसलिए
क्रॉसबो का इतना ज़्यादा इफेक्ट होने के लिए अभी क्रॉसबो एयर ड्रॉप में सिर्फ दे रहा है। तो आप लोगों को तो पता ही है जिस जिसका वैल्यू ज़्यादा है, जैसे कि ग्रोजा बोल सकते हैं, ड्रैगना बोल सकते हैं या फिर AWM बोल सकते हैं, तो उस सभी चीज़ों को गरीना वाले एयर ड्रॉप में देता है, मतलब स्पेशल ड्रॉप में देता है। तो इस बार भी ऐसा ही किया है कि एयर ड्रॉप में ही, स्पेशल एयर ड्रॉप में ही आप लोगों को क्रॉसबो मिल जाए। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों इस वीडियो में। तो जो जो मेरे चैनल पे नया हो तो जरूर सब्सक्राइब करना, एंड सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर प्रेस करना, एंड वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, एंड अपने दोस्तों के पास शेयर करके उनको भी पहले जानने का मौका दीजिए, ठीक है दोस्तों। तो अभी मेरा तबीयत इतना भी अच्छा नहीं है, तो शायद कम्युनिकेशन बहुत ही बुरा हुआ हो इस वीडियो में, तो इसके लिए मैं पहले से ही सॉरी मांग लेता हूँ। एंड बैकग्राउंड पे भी आप लोगों को शायद कुछ कुछ नॉइज़ आ रहा है, तो हाँ दोस्तों साइड में एक इवेंट चल रहा है तो इसलिए शायद आप लोगों को नॉइज़ आ रहा है। तो मेरे पास नॉइज़ कैंसलेशन माइक भी नहीं है, तो इसलिए ऐसे ही मैं रिकॉर्डिंग करता हूँ। तो इसके लिए मैं दिल से मतलब सॉरी मांग लेता हूँ आप लोगों को, एंड आप लोगों के सपोर्ट के लिए बहुत ही शुक्रिया दोस्तों, एंड ऐसे ही मुझको सपोर्ट दिखाते जाइए, ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगा, टिल देन टेक केयर, बाय बाय फ्रेंड्स।